अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन व्लॉग। आज मैं चाउमीन बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, मैंने इसकी ये जो है स्पेगेटी, मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी और नमक में उबाल के बॉयल करके और इसको इस तरीके से कर लिया सॉफ्ट। देखें देखिए कितनी हिली हिली है। और ये मैंने इसके लिए चिकन मैरिनेट करके रखी है। इसमें वाइट पेपर है, नमक है, 1 टेबल स्पून ऑयल है और चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून। मैंने इसमें 1/4 क्वार्टर कप ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून जितना अदरक लगता है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, इसमें मैंने चिकन डाली है, अब इसको मैं वाइट करूँगी। ये जब तक ये वाइट हो रही है तब तक आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं ये सब वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। देखें, ये मैंने इस तरीके से लंबाई में ये देखें चिकन को काटा हुआ है। कैसे जब ये हमारी चिकन बिल्कुल वाइट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। कम से कम 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें सोया सॉस डाला। ये देखिए, ये है ऑयस्टर सॉस, ये 4 टेबल स्पून डालेंगे। 1 जरूरत इसमें सॉल्ट डालेगा, नमक, और मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर भी इसमें डालेगा 1/2 टीस्पून। इस कंडीशन में आ जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी सब्जियां जो मैंने काटी हुई हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें शिमला मिर्च ली हुई है, सब देखिए लंबी स्टाइल में है, बंद गोभी है, गाजर है, और ये थोड़ी सी हल्की प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना वो मैंने काटा, वो मैं सब इसमें डाल दूंगी। बस ये ग्रीन पार्ट जो है वो मैं रोक लूंगी। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारी चिकन में जो थोड़ा बहुत रह गया है कसर करने की वो हमारी मुकम्मल हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये इस कंडीशन में आ गया है। अब इसके बाद मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी। ये देखिए, ये इस कंडीशन में आ गया है और इतनी ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गई मेरी चाउमीन। आपको आई होप अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।